उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रही है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर अधिक से अधिक किसानों से उनकी समस्या एवं समाधान की अपेक्षा की है, जिसके संबंध में 11 सूत्री ज्ञापन सांसद एवं विधायकों को देकर समाधान की बात की जा रही है। इसके अलावा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान कराने की बात की जा रही है। इसी क्रम में 28 फरवरी 2020 शुक्रवार को कांग्रेस की जिला व महानगर इकाई ने मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का घेराव किया और एक ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर सांसद एसटी हसन ने ज्ञापन लेते हुए कहा कि उनकी बात जो संसद में उठाएंगे, उन्होंने आगे बताते हुए कहा। बातें बड़ी बड़ी की जा रही, जमीनी हकीकत ये है कि किसान खुदकशी कर रहा है। रुको भाई साहब, तो ज्ञापन किया है किसान की समस्याओं को रैली के अंदर उठाया जाए और उनकी बात को आगे बढ़ाया जाए। मैं 101% इस बात से सहमत हूँ कि सबसे पहले किसान समस्याओं को सबसे पहले उठाना चाहिए और उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए। चाहे गन्ने का भुगतान हो, चाहे सब्सिडी हो, चाहे गैस की कालाबाजारी हो, चाहे खाद की कालाबाजारी हो या उसके कम खाद देने की बात हो, क्योंकि किसान गरीब होता है, ज्यादातर इलेक्ट्रिक की बात नहीं पाती है। हम सब लोगों की किसानों की बात मानिए, देश के सर्वोच्च पंचायत सबसे सफल है, लेकिन बाकी तमाम चाहे वो किसान हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कारोबार हो या रियल इस्टेट हो या गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, और अल्पसंख्यकों का हाल तो आपको मालूम है, अगर आपको वोट के अंदर जी रहा है तो कौन सी सरकार इस देश में चल रही है इस वक्त? क्या हमारे मजदूरों ने आज़ादी का कुछ मान लिया कि हम लोग आपस में बांट दिया जाए? इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर ने संबोधित करते हुए कहा, आज हमने यहाँ के लोकसभा सांसद श्री एस टी हसन साहब का घेराव किया जी। और हम सब घेराव किया तो हमसे ज्यादा पीड़ित हमारे लोकसभा सांसद हैं कि साहब आपने कम से कम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आवाज उठाई। मैं आपकी आवाज को लोकसभा में उठाऊंगा। इसमें किसान परेशान है, शहर के अंदर जो इन्होंने सड़कें खोद रखी है और यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। महानगर अध्यक्ष रिजवान कुरैशी और महिला सभा की अध्यक्ष कमर कदीर इरम ने बताते हुए कहा, सत्ता के की मदहोशी में मैं ये कहूँगा, आंखें बंद किए हुए गरीब किसान और खास तौर पर मध्यम वर्गीय कारोबारी और खास तौर पर जो हमारा लेबर तबका है, क्योंकि मुरादाबाद लेबर से ताल्लुक है इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, उसको बिल्कुल भूल चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक वन पॉइंट प्रोग्राम है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, वो प्रोग्राम वो आगे बढ़ाने पर लगी हुई है। ना उसे आर्थिक विकास की चिंता है, ना उसे औद्योगिक विकास की चिंता है, ना उसे रोजगार की चिंता है, सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट है। अभी रायबरेली की मीटिंग में भी हम थे, वहाँ ट्रेनिंग में उतर के हमारे अध्यक्षों ने आवाज उठाई थी। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या जो हिंदुस्तान स्तर पर प्रदेश स्तर पर है वो आवारा पशु, उसके लिए हमने आवाज उठाई है कि या तो किसानों को उसका रखवाली भत्ता दिया जाए कि पूरी पूरी रात किसान उनकी रखवाली कर रहा है जानवरों से, या फिर उनके लिए हर नगर पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण। यहाँ पे एक ज्ञापन भी दिया गया है, सांसद जी से मिलने आए हैं, किसानों की समस्या है, अनेक समस्या है, साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूंगा घरेलू कई सारी समस्याएं हैं, चूल्हा काफी महंगा हो गया है, गैस पर काफी दाम बढ़ा दिए गए, इसके लिए क्या कहना है? देखिए एकदम से 150 रुपए गैस पर बढ़ा देना, हम लोगों के लिए तो ऐसा है कि हम लोग किस तरह से घर चलाएंगे? महंगाई पहले हम सब्जी महंगाई दालों पर है,
चीजों पर है, पेट्रोल बढ़ने की वजह से सभी चीजें महंगी हो गई है, डीजल बढ़ने से जो ढुलाई का काम है वो महंगा हो जाता है। अब ये देखिए कि उन्होंने एकदम से जो है महंगा कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे ज्यादा परेशानी है कि हमारे शहर की सड़कें खुद ही बढ़ रही है, हम लोगों की इतनी चोटें लग रही है महिलाओं की, कहीं हम ना पैदल जाने के हैं ना रक्षा में जाने के। इस मुद्दे को भी उठाया गया है कि ये सड़कों की मरम्मत जिनके भी अंडर में आती है वो खुद को क्यों डाल देते हैं, और जो सड़कों में भी किराने बने हुए भवन है, मकान है, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। कई औरतें छोटी लौट चुकी है, कई महिलाएं जो है वो गिर के अपने हड्डी पट्टी लौट चुकी है। तो ये सब जो है तो हमारा नगर निगम है वो इस तरफ ध्यान दे और इस सबसे पहले ठीक करें। जो आंकड़ा है महंगाई का ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, सोना जो है वो जाहिर सी बात है हर शादी में चढ़ता है, महिलाओं का महिलाओं के 40 हो गया होता है, हम लोग क्या करें, हमारे पुरुषों की आमदनी वही है उसमें गुजारा करना है। इस मौके पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बड़ी तादाद में मौजूद रहे।